और अभी बात करेंगे पुलवामा के ड्रामा की, तो भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया, फिर मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान ने इल्जाम सख्ती से मुस्तरद कर दिए हैं। वजीर खारजा ने भारत को खरी खरी सुना दी। शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक पैगाम दिया कि भारत अपना रवैया बदले, बगैर सबूत इल्जाम ना लगाए। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाने की पॉलिसी को तर्क करे। सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ की भी अमरीकी नाजिमुल उमूर से मुलाकात, और कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम लगाए हैं। पुलवामा हमले पर भारत का मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा, भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को दो टोक और खरी खरी सुना दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत अपना रवैया बदले, बगैर सबूत इल्जाम न लगाए। अगर हिंदुस्तान के पास सबूत है तो हमसे शेयर करे और हमारे साथ तावन हम देने के लिए तैयार है। इल्जाम तराशियों से न पहले कुछ उन्हें हासिल हुआ है न आइंदा होगा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाने की पॉलिसी तर्क करे। अफसोसनाक वाकया है, हमने इस वाकये की मजम्मत की है। हम जानी नुकसान के कभी हक में नहीं है, हम वायलेंस के कभी हक में नहीं है, कल थे आज है। दूसरी जानिब अमरीकी नाजिमुल अमूर की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और पुलवामा हमले पर तबादला ख्याल किया गया। तहमीना जंजुआ का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्जाम लगाए। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन को ब्रीफिंग भी दी गई। पुलवामा हमले के बाद भारत के मनफी प्रोपेगेंडे पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब करके इल्जाम तराशी पर शदीद एहतजाज और मरासला दिया गया।